दोस्तों आप सभी का स्वागत है कमल्स फूड लैब में, जहां पर हम बनाते हैं हेल्दी, इजी और टेस्टी रेसिपीज। दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई कोफ्ते की रेसिपी। आज हम ये मुंह में घुल जाने वाले मलाई कोफ्ते बनाने वाले हैं एकदम रिच येलो ग्रेवी में। दोस्तों जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहां पर मलाई कोफ्ते हमें या तो व्हाइट ग्रेवी में मिलते हैं, या रेड ग्रेवी में, या येलो ग्रेवी में। तो आज हम जो बनाने वाले हैं एकदम रिच और क्रीमी येलो ग्रेवी में बनाएंगे। तो कोफ्ते बनाने के लिए मैंने यहाँ लिए हैं 3 उबले हुए मीडियम साइज के आलू, 1 कप मैंने क्रम्बल किया हुआ पनीर लिया है। अगर आप रेडीमेड पनीर यूज कर रहे हैं तो आप उसे ग्रेट करके ले सकते हैं। ये जो बॉइल्ड आलू हैं, ये 2 घंटे पहले आप उबाल कर रख लें तो इनका जो मॉइस्चर है वो कम हो रहेगा, और इसे अच्छी तरह से मैश करके हम रेडी कर लेंगे। आलू मैश हो चुके हैं, अब इसमें मैं डाल दूंगी क्रम्बल किया हुआ पनीर, साथ ही में हम इसमें डालेंगे बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च और कद्दूकस किया हुआ अदरक। साथ में ऐड कर देंगे नमक, और यहाँ पर कटे हुए मैंने काजू और किशमिश ली है वो भी ऐड कर देंगे, ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं एकदम रिच लगेंगे टेस्ट में। और जब हम इन्हें बाइट करेंगे तो इसमें पीसेस जब आते हैं काजू और किशमिश के तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर दिया है, और ये देखिए ये अच्छी तरह से बाइंड हो रहे हैं, एकदम बढ़िया से बॉल्स बन रहे हैं इसके, क्योंकि हमारा जो पनीर और आलू है उसमें मॉइस्चर नहीं था ज़्यादा। अब मैं यहाँ पर फिर भी 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर ऐड करने वाली हूँ, ताकि जब हम इसे तलें तब ये किसी भी चांस से खुल ना जाए। तो टू बी ऑन द सेफर साइड हम यहाँ पर 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल रहे हैं। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर डालना अवॉइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से एक डॉ की तरह फॉर्म हो गया है। हाथ को चिकना करके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। कोफ्ते आप चाहें तो गोल बना सकते हैं, आप चाहें तो लंबे भी थोड़े से बना सकते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से मीडियम साइज के बॉल्स बनाकर रेडी किए हैं। मैं आपको और एक तरीका भी बताती हूँ अभी। आप चाहें तो इस तरह से लंबे आकार के भी बना सकते हैं, इस तरह के कोफ्ते भी बहुत ही बढ़िया लगते हैं। ये देखिए इस तरह से सिलेंड्रिकल आप बनाकर तैयार कर सकते हैं, पर आज मैं सारे गोल बनाकर तैयार करूंगी। तो मेरे यहाँ पर 15 कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। अब इन्हें मैं रख दूंगी फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए। फ्रिज में रखने से ये अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे और बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो चलिए तब तक हम हमारी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई गरम रख दी है और 1 बड़ा चम्मच तेल डाल लिया है। तेल गरम होते ही हम इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच जीरा, और जीरा तड़कते ही इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो मैंने यहाँ 1 तमालपत्र डाल दिया है, दालचीनी ली है, काली मिर्च ली है, इलायची ली है, लौंग ली है। सभी चीज़ों को इसमें डालकर अच्छी तरह से हम भून लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे लहसुन की कलियाँ, अदरक और हरी मिर्ची, और 1 मिनट के लिए इन सभी चीज़ों को भून लेंगे। एक मिनट हो चुकी है, और अब हम डाल देंगे हमारी चॉप की हुई प्याज। तो मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज की प्याज ली है, इस तरह से लंबाई में कटी हुई। इसे अच्छी तरह से थोड़ा कुक होने तक हम भून लेंगे, और आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज जो है वो भून चुकी है। तो अब मैंने यहाँ 2 बड़े साइज के टमाटर उसी तरह से लंबाई में कटे हुए डाल दिए हैं। अगर आप प्याज को बारीक चॉप करते हैं तो टमाटर को भी बारीक चॉप करके ऐड करें। नमक डाल देंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो एकदम अच्छी तरह से पक जाएं फटाफट। ढक्कन ढक कर सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। स्पैचुला से दबाकर देख लेंगे, हमारे टमाटर अच्छे से कुक हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुए हैं लेकिन कुक हो चुके हैं। तो इसी स्टेज पर हम यहाँ पर डालेंगे हमारे बाकी की सामग्री। तो यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच मैंने मेलन सीड्स या मगज के बीज लिए हैं, और 8 से 10 काजू लिए हैं। साथ ही में 1 बड़ा चम्मच खसखस मैं यहाँ पर ऐड करूँगी। ये सभी चीज़ें डालने से हमारी जो ग्रेवी है ये एकदम क्रीमी और रिच बनकर तैयार होगी। 1/2 कप मैंने पानी डाल दिया है यहाँ पर। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स करके ढक्कन ढक कर एकदम धीमी आंच पर हमें इसे कुक होने देना है। जब तक हमारे काजू नरम हो जाते हैं तब तक हम इन्हें पकाएंगे। तो 4 से 5 मिनट हो चुकी है, ढक्कन हटाकर चेक कर लेते हैं। पानी भी ऑलमोस्ट सारा सूख गया है और अच्छी तरह से सब कुछ पक गया है। तो अब हम आगे डालेंगे मसाले। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी डाल दी है मैंने, 1 चम्मच धनिया जीरा का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी डाल देंगे 1 टेबलस्पून जितनी, हाथों से मसल कर डाल देंगे।
आधी छोटी चम्मच किचन किंग मसाला डाला है मैंने, आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के लिए इसे पकने देंगे हम। दो मिनट हो चुकी है और एकदम बढ़िया से हमारे मसाले सब कुछ पककर तैयार हो गया है। अब हम आंच को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे, उसके बाद हमें इसे पीस कर रेडी करना है। आप देख सकते हैं तेल भी बढ़िया रिलीज हो गया है, तो हमारे जो मसाले हैं बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। तो चलिए अब कोफ्ते को तल लेते हैं। जब तक हमारा मसाला ठंडा हो रहा है तो सबसे पहले एक कोफ्ता हम डालकर चेक करेंगे कि कहीं ये बिखर तो नहीं रहा है तेल में, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा बाइंडिंग एजेंट यूज़ नहीं किया है इसमें। पहले आपको छूना नहीं है चमचे से बिल्कुल भी, हल्का हल्का ब्राउन हो जाए तब तक इस तरह से साइड साइड से तेल इसके ऊपर डालते रहें, और जब इस तरह से लाइट ब्राउन हो जाएगा उस टाइम पे आप चम्मच से इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते हुए गोल गोल घुमाते हुए सभी तरफ से ब्राउन होने तक पका लें। आँच आपको मीडियम ही रखनी है, बहुत तेज आँच नहीं रखनी है। और ये देखिए एकदम बढ़िया गोल्डन ब्राउन कोफ्ता बनकर तैयार है। तो हमारा कोफ्ता एकदम परफेक्ट है, इसकी बाइंडिंग भी परफेक्ट है, ऊपर से क्रिस्पी दिख रहा है लेकिन एकदम नरम है अंदर से। तो अभी 3 से 4 कोफ्ते हम एक साथ डाल देंगे इसमें, और इसे भी हमें बिल्कुल चमचे से छूना नहीं है स्टार्टिंग में, बिल्कुल जैसे हम गुलाब जामुन को कुक करते हैं ना उसी तरह से इसको पकड़कर कढ़ाई को आप इस तरह से गोल गोल तेल को घुमाएंगे तो अपने आप कोफ्ते भी गोल गोल घूमते जाएंगे और सभी तरफ से इवनली ब्राउन होते जाएंगे। जैसे गुलाब जामुन हम पकाते हैं बस वैसे ही हमें इसे फ्राई करना है। जब इस तरह से हल्के हल्के ब्राउन हो जाएं तब आप चम्मच से इसे पलट पलट कर फ्राई कर सकते हैं। तो सभी तरफ से एकदम बढ़िया गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने इसे तल लिया है। ये देखिए एकदम बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो ऐसे ही सारे कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। अब हमारी ये जो मसाले की पेस्ट है ये भी ठंडी हो चुकी है, तो इसमें से ये तमालपत्र निकाल देंगे और बाकी को हम पीस लेंगे 1/2 कप पानी डालकर मिक्सर में बिल्कुल स्मूथ पेस्ट में। ये देखिए दोस्तों एकदम मैंने स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर ली है, और इसे और स्मूथ बनाने के लिए यहाँ पर हम छन्नी से इसे छान लेंगे ताकि हमने इसमें जो खड़े मसाले डाले हैं, टमाटर डाला है, उसका जो भी रेशा है वो सब निकल कर अलग हो जाएगा और हमारी एकदम स्मूथ ग्रेवी बनेगी। ये देखिए ऊपर ये जो बचा है ना इसे मैं मिक्सर में डालकर 1/2 कप पानी डालकर फिर से पीसने वाली हूँ और फिर से छान लूंगी। अब यहाँ पर कढ़ाई को मैंने गरम रख दिया है और 1 टेबलस्पून तेल डाल दिया है, साथ ही में अब हम डालेंगे 1 चम्मच बटर। एकदम रिच और क्रीमी हमारी सब्जी बन रही है तो बटर तो डलेगा ही इसमें। हल्का सा बटर मेल्ट होने पर हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। हल्का सा इसे भून लेंगे, आंच एकदम धीमी रखनी है इस टाइम पे, और तुरंत ही जो हमने तैयार की हुई ग्रेवी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हमने बाकी के सारे मसाले ग्रेवी में ऑलरेडी डाल दिए थे तो अब हमें ज़्यादा मसाले यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 छोटी चम्मच मैंने शक्कर डाल दी है सारे मसालों के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। अच्छी तरह से मिलाएंगे और ढक्कन ढक कर आप इसे कुक करें क्योंकि ये बहुत उड़ता है। 2 से 3 मिनट कुक करके फिर से एक बार चेक करेंगे। 2 से 3 मिनट हो गई है और ये हमारी जो ग्रेवी है ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है, तो अभी हम इसमें वापस 1/2 कप पानी डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ढक्कन ढक के इसे हम फिर से कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। एकदम अच्छी तरह से तेल रिलीज होने तक कुक करेंगे। ये देखिए कॉर्नर्स में आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया सा तेल रिलीज हो गया है और हमारी ग्रेवी एकदम रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए स्पैचुला को एकदम अच्छे से कोट कर रही है, बस इतनी ही थिकनेस हमें चाहिए इसकी। अब लास्ट में यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ घर की ही ताजी मलाई जिसे मैंने फेंट कर ले लिया है, करीब 2 टेबलस्पून मैंने डाल दी है। इसे मिक्स करके 1 मिनट के लिए और कुक कर लेंगे, और ये देखिए एकदम बढ़िया सी हमारी टेम्पटिंग सी ग्रेवी तैयार है। एक अच्छा सा मिक्स देके आंच को हम बंद कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर हरा धनिया ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे एकदम बढ़िया से सॉफ्ट सॉफ्ट मुंह में घुल जाने वाले कोफ्ते भी बनकर रेडी हैं। एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं कोफ्ते क्योंकि हमने कॉर्नफ्लावर इसमें ज़्यादा नहीं ऐड किया है, और हमारी एकदम बढ़िया सी येलो ग्रेवी भी रेडी है। दोस्तों ये जो कोफ्ते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसलिए हम इसे ग्रेवी में डालकर पकाते नहीं हैं। सर्व करते टाइम इस तरह से आप सर्विंग प्लेट में पहले कोफ्ता रख दें
और उसके ऊपर गर्मा गर्म ग्रेवी डालकर आप तुरंत ही इसे परोसें। आपके यहाँ जब गेस्ट आने वाले हों तभी भी आप इस तरह से कोफ्ते बनाकर रेडी करके रख लें और ग्रेवी बनाकर रख लें, और जब आपके गेस्ट खाना खाने बैठें उस टाइम ही आप इसको कोफ्ते को डालें सर्विंग प्लेट में और ऊपर से ग्रेवी डाल दें। थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डाल के हम इसे गार्निश कर देंगे और साथ ही में थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ मैं गार्निशिंग के लिए। और ये देखिए हमारा मलाई कोफ्ता एकदम टेम्पटिंग लग रहा है। मैंने तो इसे सर्व किया है गार्लिक नान के साथ, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं किसी भी रोटी नान कुलचा या राइस के साथ। तो दोस्तों आप भी ज़रूर ट्राई करें इस एकदम बढ़िया से मुंह में पिघल जाने वाले मलाई कोफ्ते की रेसिपी को और मेरे साथ अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। ऐसी ही नई नई और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबा दें ताकि नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें।